तो गुजरात से आई फॉरेंसिक की टीम इस वक्त सुल्तानपुरी थाने के बाहर जांच कर रही है, मुआयना कर रही है। वहीं से मेरे सहयोगी इस वक्त मनोज वर्मा सीधा हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या अपडेट वहां से? फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, जांच में जुटी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जांच अभी तक जारी है। तस्वीरें मेरे कैमरा में अजय तिवारी आपको दिखाएंगे। बकायदा अब एक क्रेन को यहां पर बुलाया गया है, क्योंकि जो गुजरात से फॉरेंसिक के एक्सपर्ट की जो टीम आई है वो गाड़ी के नीचे सही तरीके से देख नहीं पाई थी कि आखिरकार क्या अंजलि को फंसाया गया था या फिर वो खुद से फंस गई थी। तो अब एक बकायदा क्रेन को बुलाया गया है और क्रेन में अब इस गाड़ी को बांधा जाएगा और इस गाड़ी को ऊपर किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन अजय तिवारी आपको दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, उसमें 3 महिलाएँ हैं, 2 पुरुष हैं। और देखिए जो जांच है वो अभी इस कार की चल रही है और इसको अब लिफ्ट किया जाएगा, यानी कि क्रेन के जरिए इस गाड़ी को ऊपर उठाया जाएगा और उसके बाद जो टीम है इस गाड़ी की जांच करेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो गुजरात से जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर जो आए हैं वो अब जांच कर रहे हैं। बाकायदा फोटोग्राफी की जा रही है एक एक जगह की। गाड़ी में देखिए किस तरीके से जहाँ अंजलि फंसी थी उसी जगह की जो जांच है वो फॉरेंसिक की टीम कर रही है। डीसीपी हरिंदर सिंह यहाँ पर खुद मौजूद हैं, एसीपी मौजूद हैं, एसएचओ मौजूद हैं, तमाम जो थाने के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और अब ये देखिए तस्वीरें दिखाएंगे मेरे कैमरामैन अजय तिवारी, इस गाड़ी को अब यहाँ पर बांधा जा रहा है और लिफ्ट करके इसको क्रेन के जरिए उठाया जाएगा और फिर टीम नीचे से जांच करेगी। क्योंकि इससे पहले जो अभी टीम ने जांच की थी उसमें बाकायदा एक डमी बॉडी को लाया गया था, उस बॉडी को कार के नीचे लेटाया गया था और ये देखा गया था कि क्या कोई शख्स इसके अंदर फंस सकता है या फिर उसको फंसाया जा सकता है। तो अंजलि की मौत किस तरीके से हुई है उसी जांच को करने के लिए जो टीम है फॉरेंसिक की एक्सपर्ट टीम है, ये बाकायदा जो डीसीपी हरिंदर कुमार हैं उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि ये टीम यहाँ पर पहुँचे और जाँच करे। क्योंकि इससे पहले जो एफएसएल की दिल्ली की टीम है वो इस पूरी गाड़ी की जांच कर चुकी है, लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अब फूक फूक कर कदम रख रही है, शुरुआत में कुछ गलतियां ज़रूर दिल्ली पुलिस से हुई थी और उसके बाद अब कोई गलती ना करते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया है और गाड़ी को अब लिफ्ट करवाया जाएगा। पहले जब अभी गाड़ी की जो जाँच फॉरेंसिक की टीम ने की थी उसमें ये जो टीम थी वो नीचे नहीं जा पाई थी गाड़ी के। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो डीसीपी हरिंदर सिंह थे वो गाड़ी के नीचे लेट गए थे और उन्होंने खुद से भी जांच की थी फॉरेंसिक दिल्ली की टीम के साथ। लेकिन अब जो स्पेशलाइज्ड टीम को बुलाया गया इसमें जो जानकारी हमें मिल रही है कुछ प्रोफेसर्स हैं और कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। अब ये देखिए तस्वीरें, क्रेन के जरिए इस गाड़ी को उठाया जा रहा है और उसके बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और जो प्रोफेसर्स हैं वो अब गाड़ी के नीचे की जांच करेंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से गाड़ी को नहीं देख पाए थे। तो तमाम जो सबूत है उसे जुटाने की कवायद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। यही वजह है कि अब जो स्पेशलाइज्ड टीम है उनको यहाँ पर बुलाया गया। ये देखिए तस्वीरें, अब क्रेन के जरिए इस गाड़ी को ऊपर लिफ्ट करवाया जा रहा है। देखिए गाड़ी अब आपको तस्वीरों में नज़र आएगी, अब जो क्रेन है इस गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रही है, इसको गाड़ी को यहाँ पर बांध दिया गया है और गाड़ी अब ऊपर उठेगी और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो गाड़ी के नीचे की जांच करेंगे। ये देखिए अब गाड़ी को जो है दोबारा से इसको ठीक किया जा रहा है, शायद ये लिफ्ट नहीं हो पाई, अभी कोशिश की जा रही थी क्रेन ने इसको उठाने की। और अब जो टीम है वो यहीं पर मौजूद है, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के अंदर ही ये पूरी जो जाँच है वो यहाँ पर चल रही है। कैमरामैन अजय तिवारी जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं और जो जांच है वो पुलिस की अभी तक यहाँ पर लगातार जारी है। देखिए गाड़ी अब लिफ्ट हो चुकी है, गाड़ी को ऊपर उठा लिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि इससे पहले जो टीम थी वो गाड़ी के नीचे साफ तौर पर नहीं देख पाई थी, वो नीचे नहीं जा पाई थी, तो जो सबूत थे वो शायद टीम नहीं जुटा पाई है। यही वजह है कि जो फॉरेंसिक की टीम थी उन्होंने रिक्वेस्ट की डीसीपी साहब से कि एक क्रेन मंगाई जाए ताकि गाड़ी जब ऊपर उठेगी तो उसके नीचे कुछ और सबूत हो सकता है कि मिलें और ये देखा जाए कि अंजलि क्या वाकई में एक्सीडेंट के बाद इस गाड़ी के नीचे फंस गई थी या फिर उसे फंसाया गया था। इतना ही नहीं, एक डमी का भी इस्तेमाल दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था, एक डमी जो थी फॉरेंसिक की टीम ने कहा था कि उन्हें एक डमी की भी ज़रूरत होगी, तो बाकायदा एक डमी मंगाई गई थी जिसकी हाइट और वेट उतना ही था जितना अंजलि का हाइट और वेट था और उसको गाड़ी के नीचे डालकर देखा गया कि क्या वाकई में कोई फंसा था या फिर उसको फंसाया गया था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार और हमसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम ज़्यादा आगे की तरफ ना जाएं, लेकिन कैमरामैन अजय तिवारी से मैं कहूँगा कि वो अपने दर्शकों को ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। ये देखिए गाड़ी शायद उठने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और कोशिश अब की जा रही है कि गाड़ी को किस तरीके से उठाया जाएगा। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है और डीसीपी हरिंदर सिंह खुद जो है वो जो क्रेन
का ड्राइवर है उसे निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी को उठाया जाए, क्योंकि गाड़ी को बांध जरूर लिया गया था लेकिन गाड़ी उठ नहीं पाई। ऊपर की बॉडी शायद गाड़ी की थोड़ी हल्की थी और इस वजह से वो नहीं उठ पाई और गाड़ी का जो बैलेंस था वो बिगड़ रहा था। अब दोबारा से ये कोशिश की जा रही है कि इस गाड़ी को बांधा जाए और बांध करके सही तरीके से इस गाड़ी को उठाया जाए। इससे पहले क्योंकि फॉरेंसिक की टीम 11:30 बजे यहाँ पर पहुँच गई थी, तमाम जो फॉरेंसिक की जांच इस मामले की हुई है, जो दिल्ली फॉरेंसिक की टीम ने की है, उसकी जो रिपोर्ट थी वो फॉरेंसिक की टीम ने पहले पढ़ी है। जो एक्सपर्ट्स की टीम आई है यहाँ पर, जो प्रोफेसर्स आए हैं, जो दिल्ली की टीम की रिपोर्ट थी वो उन्होंने पहले बाकायदा पढ़ी है और उसके बाद करीब 1 घंटे पहले इस गाड़ी की जाँच करना जो गुजरात की टीम है उन्होंने शुरू किया था। और अब लगातार जो जांच है वो उनकी चल रही है और कोशिश यही की जा रही है कि फॉरेंसिक से जुड़े तमाम जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जुटाए जाएं। इससे पहले जो टीम थी वो काफ़ी देर तक गाड़ी के पास रही, गाड़ी के जो एक एक एंगल था उनको उन्होंने तलाशा, गाड़ी के अंदर की पूरी प्रॉपर जाँच की गई। शुरुआत में ये ज़रूर साफ हो गया था कि गाड़ी के अंदर किसी तरीके का ऐसा सबूत नहीं मिला है कि अंजलि गाड़ी के अंदर थी। सिर्फ जो तमाम सबूत थे वो पुलिस को यही मिले थे कि अंजलि गाड़ी के नीचे ही फंसी थी। जो दिल्ली FSL की जो रिपोर्ट थी वो यही सामने आई थी। लेकिन अब क्योंकि इस मामले में लगातार दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं लगातार सवालों के घेरे में थी और सवाल लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर उठ रहे थे, यही वजह है कि अब जो एक्सपर्ट्स की टीम थी फॉरेंसिक की वो गुजरात से बुलाई गई है, जिसके अंदर प्रोफेसर्स भी हैं, और दोबारा से कोशिश की जा रही है कि गाड़ी को उठाया जाए, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम नीचे से गाड़ी को अच्छी तरीके से देख नहीं पाई थी। यही वजह है कि अब दोबारा से जो है गाड़ी को उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि तमाम जो फॉरेंसिक के एविडेंस हैं वो इस गाड़ी से कलेक्ट किए जा सकें। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्रेन के ज़रिए गाड़ी को दोबारा से लिफ्ट करने की जो कोशिश है वो अब की जा रही है और गाड़ी जो है अब ये देखिए आप ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन इसका बैलेंस जो है वो नहीं ठीक हो पा रहा है। दोबारा से गाड़ी को अब नीचे किया गया है और कोशिश फॉरेंसिक की टीम की यही है कि वो गाड़ी की नीचे से अच्छे से जांच करना चाहती है, क्योंकि नीचे की जो जांच है वो सही तरीके से नहीं हो पाई है, क्योंकि जो अंजलि थी वो गाड़ी के नीचे ही फंसी थी। और अभी भी ये सवाल बाकी है कि क्या सच में अंजलि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में फंस गई थी या फिर उसे फंसाया गया था। तो ये जो जाँच है वो अभी जो टीम की है वो चल रही है। और अब गाड़ी ये देखिए, गाड़ी अब पूरी तरीके से लिफ्ट हो चुकी है। देखिए पहले गाड़ी लिफ्ट नहीं हो पा रही थी और अब जो गाड़ी है वो लिफ्ट हो चुकी है। ये देखिए गाड़ी अब ऊपर की तरफ आ चुकी है। यही चाहती थी फॉरेंसिक की जो एक्सपर्ट्स की जो टीम आई है वो यही चाहती थी कि गाड़ी के नीचे से बारीकी से जांच की जाए। और बारीकी से जांच करने के लिए अब जो टीम है ये देखिए, जो टीम के मेंबर्स हैं जिसमें प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स हैं फॉरेंसिक के, वो बाकायदा गाड़ी के उस हिस्से की जाँच कर रहे हैं जिस हिस्से के अंदर अंजलि फंसी थी गाड़ी में। ये देखिए आप तस्वीरें मेरे कैमरामैन अजय तिवारी लगातार आपको दिखा रहे हैं और बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जा रही है। जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो अपने साथ बाकायदा एक वीडियोग्राफर को और एक फोटोग्राफर को लेकर के आए हैं। तमाम जो फॉरेंसिक के सबूत हैं वो यहाँ अब जुटाने की जो कोशिश है वो फॉरेंसिक की टीम कर रही है। ये पूरी की पूरी जो टीम है वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात से पहुँची है। DCP हरिंदर कुमार सिंह ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी इस टीम से कि एक बार यहां पर पहुंचे और गाड़ी की गहनता से जांच की जाए, और उसी जांच को करने के लिए जो टीम है देखिए वो यहां पहुंच चुकी है और एक एक सबूत जो है वो बारीकी से यहां पर लिया जा रहा है। और जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं और जो फॉरेंसिक के प्रोफेसर्स हैं वो गहनता से इस गाड़ी की जाँच कर रहे हैं जिस गाड़ी के अंदर अंजलि फंसी थी। और DCP हरिंदर कुमार सिंह भी बाकायदा उनके साथ मौजूद हैं, वो भी उनको बता रहे हैं कि अंजलि किस जगह पर फंसी थी। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी को अब लिफ्ट कर लिया गया है और लिफ्ट करने के बाद जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और गाड़ी के पूरे हिस्से की, जिस आगे वाले हिस्से में अंजलि फंसी थी उसकी तो जांच की ही जा रही है, साथ ही साथ बीच के हिस्से में जो स्क्रैच पड़े हुए हैं, जो बीच के हिस्से में अंजलि के जो कुछ खून के जो निशान थे वो जो टीम है वो देखने की कोशिश कर रही है। अपने मोबाइल से भी फॉरेंसिक की जो टीम है वो वीडियोग्राफी कर रही है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड वीडियोग्राफर और एक फोटोग्राफर को यहाँ पर बुलाया गया है, वो भी इस पूरी गाड़ी की जांच कर रहे हैं। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गाड़ी के पिछले हिस्से की जांच भी जो है वो अब करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए गाड़ी को और ऊपर लिफ्ट किया गया है क्योंकि काफ़ी झुककर अभी जांच की जा रही थी, अब गाड़ी प्रॉपर ऊपर आ चुकी है। और अब ये देखिए ये जो आगे का एक्सल होता है गाड़ी का, यानी कि पहिए के आगे का हिस्सा जो है उसकी ये जांच की जा रही है, क्योंकि अंजलि जो थी वो यही इसी जगह पर फंसी थी। और अब क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने इसे एक्सीडेंट का ही मामला कह दिया था, लेकिन बाद में इस मामले के अंदर तमाम
जो गवाह थे वो सामने आने लगे, ये कहा जाने लगा कि अंजलि का कत्ल किया गया है। लेकिन जब जांच हुई तो आरोपियों का और अंजलि का कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद अब दिल्ली पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है। जो डीसीपी हरिंदर सिंह है वो खुद अब यहाँ पर मौजूद हैं, और ये देखिए उस हिस्से के बारे में ये जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स की टीम है उनको जानकारी दे रहे हैं कि इस हिस्से के अंदर अंजलि फंसी हुई थी। तो अंजलि क्या सच में एक्सीडेंट के बाद फंसी थी या फिर उसे फंसा दिया गया था, ये देखने की जो कोशिश है वो अब जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स की जो टीम है वो यहाँ पर कर रही है। तमाम दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, खुद जो डीसीपी हैं हरिंदर कुमार सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं, एसीपी यहाँ पर मौजूद है, और एक एक चीज़ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और बाकायदा बार बार देख कर जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरें मेरे कैमरामैन अजय तिवारी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी को पूरी तरीके से अब लिफ्ट जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है, और अभी तक जो जांच है वो उसी हिस्से की चल रही है जिस हिस्से के अंदर अंजलि फंस गई थी, या फिर ये कहें कि उसको फंसा दिया गया था, क्योंकि पूरी तरीके से अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो अंजलि थी क्या वो सच में एक्सीडेंट के बाद ही फंसी थी या उसे फंसा दिया गया था। इस मामले के अंदर लगातार परिवार भी एलिगेशन लगाता रहा कि अंजलि का कत्ल किया गया है और उसको कत्ल के बाद फंसाया गया है। इसी वजह से अब जो पुलिस की टीम है वो अपना फूक फूक कर कदम रख रही है, और स्पेशल रिक्वेस्ट पर गुजरात की स्पेशलाइज्ड टीम को बुलाया गया था, जिनको बाकायदा डीसीपी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो यहाँ पर पहुँचे और गाड़ी की गहनता से जांच करें। और उसी जांच के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरें, और ये तस्वीरें आप सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं, और जो स्पेशलाइज्ड टीम है फॉरेंसिक की वो यहाँ पर पहुँची हुई है, और देखिए ये जाँच की जा रही है कि अगर किस तरीके से अंजलि फंसी हो सकती है। जो टीम है वो इसी तरीके से जो पूरी की पूरी जांच है वो यहाँ पर कर रही है, और बकायदा अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी तो की ही जा रही है, साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो भी यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रही है। और ये देखिए आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है फॉरेंसिक की वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार इस मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना था कि अभी इस मामले की जांच लगातार जारी है, अभी किसी कंक्लूजन पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची है, और इसी की जांच के लिए अब जो पुलिस की टीम है वो लगातार जो जांच कर रही है, और स्पेशलाइज्ड टीम को गुजरात से बुलाया गया है, और यही जो टीम है वो अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी ही बारीकी से इस पूरी गाड़ी की जांच की जा रही है कि आखिरकार कोई शख्स कैसे किसी गाड़ी के नीचे फंस सकता है, और यही उसी की जांच के लिए इस स्पेशलाइज्ड तलाशने की कोशिश अब तक की जा रही है, इसीलिए आज ये टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।